कभी एक शोर उठा है कहीं, कोई खामोश हो गया है कहीं। शहर की वादी में जाने वाले छह दोस्त मौत की वादी में जा पहुंचे। वादी सवात में गाड़ी खाई में गिरने का खौफनाक हादसा। मरने वालों में से पांच का ताल्लुक मजन लाहौर के एक मोहल्ले से है। लाशें घर पहुंचने पर कोहराम बरपा। नमाज जनाजा में अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। पांचों दोस्त जिंदगी में हर काम इकट्ठे किया करते, पांचों खिदमतें खल्क करने के बहाने ढूंढते रहते। फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पर पूरे इलाके में मशहूर थे। अहले खाना पर आसमान टूट पड़ा, इलाका मकीन भी गम से निढाल। जाँ बहक होने वालों में रेहान बट, उमैर नियाज, आतिफ, उमैर अशरफ और आमिर शामिल। एक लाख 93,000 कनाल अराजी का स्कैंडल। हाई कोर्ट का मुलजिमान को गिरफ्तार करके एफआईआर की कॉपी आज अदालत पेश करने का हुक्म। जाली अदालती फैसले बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जालसाजों को तहफ्फुज़ देने वाले एसएचओस के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जस्टिस अली अकबर कुरैशी। लाहौर न्यूज मुल्की तारीख के सबसे बड़े अराजी स्कैंडल को मंजरेआम पर लाया। बेगम कुलसुम नवाज को दफनाने के बाद बाऊजी वापस अडियाला पहुंच गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साथ मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी जेल मुंतकिल। पैरोल पर रिहाई की मुद्दत खत्म होने पर तीनों को खसूसी तैयारे पर रावलपिंडी पहुंचाया गया। शहबाज शरीफ तीनों के हमराह तैयारे पर गए, जेल छोड़कर आए। नवाज शरीफ की रवानगी के मौके पर जाती उम्रा में दिल गरिफ्ता कैफियत। वालिदा को अलविदा कहते हुए माहौल एक बार फिर उदास। वालिदा की, नवाज शरीफ, मरियम और सफदर को दुआएं। माँ जी घबराना नहीं, मुश्किल वक्त है, जल्द गुजर जाएगा। नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ को वालिदा का ख्याल रखने की खसूसी हिदायत कर दी। साफ पानी बचाने के क्या इकदाम किए? सेक्रेटरी हाउसिंग से इस्तफसार। प्लानिंग के लिए मोहलत चाहिए, सेक्रेटरी का जवाब। क्या प्लानिंग 2050 में मुकम्मल होगी? गाफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में साफ पानी के ज़िया के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का एक माह में तमाम सर्विस स्टेशन पर कमर्शियल चार्जेस लागू करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने जेल रोड समेत सिग्नल फ्री सड़कों पर पैदल क्रॉसिंग के लिए ओवरहेड ब्रिज बनाने का हुक्म जारी कर दिया। ओवरहेड ब्रिज बनाने के लिए फौरी इकदामात शुरू किए जाएं, रुकावट डालने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जस्टिस अली अकबर कुरैशी का हुक्म। ड्राइविंग करने वाले कम उम्र बच्चों के वालिदैन को हवालात में बंद किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने सीटीओ को हिदायत कर दी। 2,276 कम उम्र बच्चों का ड्राइविंग करने पर चालान किया। चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने अदालत पेश होकर तफसीलात से आगाह किया। हल्का एनए 124 का जिमनी इलेक्शन। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की घर घर इंतखाबी मुहिम। यूसी चेयरमैन आरिफ नसीम के घर आमद। भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं क़यादत के फैसले पर लाहौर आया, आवाम की भरपूर हिमायत है। इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके आवाम की खिदमत जारी रखेंगे। बेगम कुलसुम नवाज की जमहूरियत के लिए खिदमात नाकाबले फरामोश हैं।
हमजा शहबाज के हलका एन ए 124 का इंतहाई बुरा हाल। कला गुजर सिंह यूसी 171 में सेवरेज का गंदा पानी बबाले जान बन गया। पिछले 5 माह से गलियों बाजारों पर गंदे पानी का कब्जा, बदबूदार और मुताफन पानी की वजह से लोग बीमारियों में मुब्तला होने लगे। बल्दियाती नुमाइंदों और वासा की मुजरमाना खामोशी। सीवरेज का काम शुरू करने वाला ठेकेदार काम छोड़कर फरार, मजबूर और हो गया। इधर पानी आया, काफी बच्चे गिर जाते हैं। मेरे पाँव यहाँ पे आ गया था सुबह, तब सारे सॉक्स गीली हो जाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं, साफ कपड़े पहन के आते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं। 6 माह हो गए हैं, ये सीवरेज का मसला चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। हम हर तरफ जाकर टकरे मार के थक गए हैं। हमारे घरों में इतने इतने मच्छर हैं, बच्चे बीमार हैं, उन्होंने दाने निकले हैं, मगर वासा वालों को कोई हिजा नहीं आ रही। इतना गंदा पानी है, रोज स्कूल आने जाने में तंगी होती है, सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, सारा पढ़ने भी नहीं जाया जाता है। पंजाब में अवामी खिदमत के मंसूबों पर काम शुरू। वजीर आला, गवर्नर और तमाम वज़रा को टास्क मिल गए। साफ पानी का मामला गवर्नर पंजाब के सुपुर्द। बचत मुहिम, गवर्नर तरक्याती मंसूबे वजीर आला खुद देखेंगे। 100 रोजा प्लान की निगरानी सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान करेंगे। बजट की तैयारी और तजावीज का मुकम्मल प्लान वजीर खजाना को तैयार करने का हुक्म। दुनिया की सबसे पुरतिल फौज इंडियन फौज वाघा बॉर्डर पे हमारे मियां वाली के जबरू जवान सिपाहियों के सामने कैसे वो गिरते हैं, ये सारे की जरूरत नहीं है। भारतीय फौज बुजदल है, रॉ ने टीटीपी की फंडिंग की। फिल्मों में सनी देओल की तरह डायलॉग मारना बहुत आसान है, हकीकत में मुकाबला मुश्किल। भारत किसी भूल में ना रहे, सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान बोले, जब तक वजीर सकाफत हूँ मुल्क की रिवायात, फौज पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं चलने दूंगा। इमरान खान की क्यादत में नया पाकिस्तान बनेगा, पाक फौज ने मुल्क के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी। यूनिक ग्रुप के जेर एहतमाम यौम दिफा की तकरीब में खिताब। दूध पानी का पानी हो गया। पंजाब फूड अथॉरिटी के शहर के दाखिली रास्तों पर नाके, 32 गाड़ियों में मौजूद 6600 लीटर नाकश दूध मौका पर तलब कर दिया गया। पाक टाउन बकर मंडी में बीमार जानवरों का गोश्त सप्लाई करने वाले 3 सप्लायर पकड़े गए। आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रियों के गिर्द भी घेरा तंग। फ्रोजन डेजर्ट के तमाम ब्रांड्स के लेबोरेटरी टेस्ट करवाने का भी फैसला। मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सीसीपीओ लाहौर बीए नासिर का मरकजी जुलूस के रास्तों का दौरा। निसार हवेली में अजादारों और मुंतजमीन से मुलाकातें, सिक्योरिटी के अमूर पर बातचीत। मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के पेश नजर सिविल लाइंस डिवीजन में पुलिस और सीटीडी की टीमों का सर्च ऑपरेशन। दौरान ऑपरेशन घरों और इमाम बारगाहों के गिर्द सख्त चेकिंग। बायोमेट्रिक सिस्टम से मुतादद अफराद के शनाख्ती क्वाइफ का अंदराज भी किया गया। सगनिया के करीब 12 साल बच्चे की लाश दरियाए रावी से मिलने का मामला। लवाहिकीन ने वाकये को कत्ल करार दे दिया। लाश बंद रोड पर रखकर एहतजाज, बच्चे को कत्ल करने के बाद लाश दरिया में फेंकी गई। पुलिस कत्ल का मुकदमा दर्ज करे, मुजाहिरीन का मुतालिबा। गंगाराम अस्पताल के फुटपाथ से नामालूम शख्स की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी नशे का आदी है। मुतवफ़ी की तलाशी के दौरान मोबाइल फोन, 20 रुपए नकदी भी बरामद हुई। पुलिस ने लाश मुर्दा खाने मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया। घरेलू मुलाजिम कातिल और लुटेरे निकले। ईएमई सोसाइटी में डकैती के बाद मालिकन को कत्ल करने वाले मुलजिम गिरफ्तार। एसपी सदर इन्वेस्टिगेशन और सीआईए की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया घरेलू मुलाजिमा और माली ने डकैती के बाद मालिकन को गला दबाकर कत्ल किया। मुलजिमान घर से तलाई जेवरात और नकदी लूट कर फरार हो गए। शहर में डाकू बेलगाम। मिश्री शाह के इलाके में दिन दहाड़े बेकरी में डकैती की वारदात। डाकू नकदी और दीगर कीमती सामान लूटकर फरार। शादबाग के इलाके में भी दिन दहाड़े शहरी लूट गया। वारदातों की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल।
पुलिस की नाकस हिकमत अमली का पोल खुल गया। शहर में डकैती, कत्ल और बच्चों के साथ ज्यादती केसेस में खौफनाक हद तक इजाफा। गुज़श्ता दो माह के दौरान डकैती की 580 वारदातें, कत्ल के 49 मुकदमात ज़ेर तफ्तीश। 8 का ताहाल कोई सुराग न लग सका। शहर में बच्चों से ज्यादती के 38 वाकयात रिपोर्ट। लाहौर न्यूज़ को पुलिस की तैयार करदा रिपोर्ट मौसूल। करोड़ों रुपए बजट के बावजूद पुलिस के पास हथकड़ियों की कमी। हरबंसपुरा पुलिस ने 10 मुलजिमान को रस्सियों से बांधकर अदालत में पेश किया। मुलजिमान की अनोखी पेशी देखकर वकला और साइलिन भी हैरान। पुलिस की अदालत में पेशी पर आए मुलजिम की आओ भगत, मुलजिम के नाज नखरे भी उठाए। पेशी के बाद पहले मोटरसाइकिल पर लिफ्ट, फिर रास्ते में मुलजिम को गाड़ी में बिठाकर अहले खाना से मुलाकात भी करवा दी। जाली हाउसिंग स्कीम के नाम पर लूटमार करने वालों के गिर्द घेरा तंग। नैप की टीम का पाक अरब सोसाइटी फिरोजपुर रोड पर छापा। बिल्डर्स के दफातर से रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। बिल्डर्स ने जमीन न होने के बावजूद जायद प्लॉट रोक किए नैब हुकाम। वासा, एलडीए और पीएचए में तकरार तबादले। एडिशनल डीजी नाहिद गुल बलोच को डीजी पीएचए का इजाफी चार्ज दे दिया गया। एसडीओ वासा मैमूना मुश्ताक, एसडीओ इलेक्ट्रिसिटी तायुनात, जबकि एलडीए में तायुनात दो अफसरान के बाहमी तकरार तबादले। नोटिफिकेशन जारी। हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से तालिबात में आगाही मुहिम। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गुलबर्ग में करप्शन से निजात के उनवान पर तकारीर और पेंटिंग्स मुकाबलों का इनाकाद। मुख्तलिफ कॉलेजेस की तालिबात की भरपूर शिरकत। दरख्त लगाओ मुल्क सरसब्ज बनाओ मुहिम में पंजाब कॉलेज भी पेश। गुलबर्ग कैंपस में सरसब्ज पाकिस्तान के हवाले से सेमिनार। तालबा ने कैंपस के सेहन में पौधे लगाए। और लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात की मुहिम उरूज पर। फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का प्याफ फाउंडर अलायंस की हिमायत का ऐलान। ओहदेदारों के एजाज में तकरीब का अहतमाम।